हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन का एक दल अपनी मांगों को लेकर चंबा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से मिला। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने समय पर वेतन, पुरानी पेंशन बहाली और वित्तीय लाभ फिर से शुरू करने जैसी मांगों को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन चंबा का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से मिला। इस दौरान संगठन ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के सदस्यों ने बताया कि उनकी मांग है कि हर माह समय पर उनका वेतन दिया जाए और पेंशन बहाली को लेकर भी सरकार जल्द कोई निर्णय ले, इसके साथ विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया जाए। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने बंद हुए वित्तीय लाभों को फिर से शुरू करने की मांग भी की। यूनियन ने जिला में दूरदराज के बंद पड़े रूटों को फिर से शुरू करने की भी मांग की है। हमने मांग की है कि जो हमारी सैलरी जो है टाइम से नहीं दी जा रही है, इसका प्रावधान किया जाए, और दूसरी जो हमारी पेंशन बहाली की जो हमने मांग उठाई है, उसकी भी हमने मांग की है कि इसको भी इस विधानसभा सत्र में जो इसकी आवाज़ उठाई जाए और ये पुरानी पेंशन जो है वो दी जाए। और उसके अलावा हमने अपने जो वित्तीय लाभ हमारे जो बंद हैं उनको लेने के लिए भी हमने ये मांग दी अपने अध्यक्ष महोदय को। बाकी जो हमारे सभी चंबा के जो दूर दराज के रूट हैं, लॉन्ग रूट हैं, उनको चलाने के लिए भी हमने अध्यक्ष महोदय से मांग की है कि हमारे कलपुर्जों को भी जो कमी है उनकी उनको भी पूरा किया जाए, ताकि हम पूरे इन बसों को जो अपने रूटों पर चलाया जाए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।